हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ई ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों 1 बजे से, और यहाँ मेरी लाडो आ गई है स्कूल से और अपने पापा के साथ। तो चलते हैं हम अपने किचन की। अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके। तो देखिए, मैं यहाँ चोखा बना रही हूँ, जो कि यहाँ देखिए अभी टमाटर को ऐसे ही करके रख देते थे, क्योंकि दीदी आ गई थी ना, तो फिर उन्हीं से बैठ के हम बात करने लगे। तो लाडो के पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो मैं चोखा बनाती हूँ। यहाँ थोड़ा सा चिप्स छान के रखे हैं, अभी और छान के रखेंगे। इसमें हम चावल बना लिए हैं और यहाँ दूध मेरा गर्म होकर रखा गया है। इसमें नमक वगैरह मैं डाल ली हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे ही चोखा अच्छा लगता है। और दोस्तों, आप लोग से एक बात बताऊंगी, जो कि सुबह सुबह मेरा मूड खराब हो गया आज। क्या बताएं? अब लाडो पापा कल कहाँ छुट्टी है? चलिए दोस्तों, हम चोखा बना के फिर मिलते। और इसको देखिए दोस्तों, स्कूल से आते ही अपना ये मोबाइल लेके, नहीं हाथ धोई, नहीं गोड़ धोई, आके पापा के मोबाइल लेके अपना स्टार्ट कर दी है। और देखिए दोस्तों, हम खाना में बनाए हैं दाल भुंजिया, खिक्सा के भुंजिया है, और प्याज का। यहाँ आलू टमाटर का चोखा है, भात, यहाँ थोड़ा सा चिप्स छान दिए हैं। तो चलिए हम लेके चलते हैं महाराज जी को खाना देने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है 1 और मेरे को भी भूख आग लग गई है, ज़्यादा नहीं है। और देखिए दोस्तों, हम खाना काट के रखे हैं और यहाँ खाना रख दिया। ये लोग देखिए मोबाइल में फिरे हैं लोग, इसी पे हमको बहुत तेज के गुस्सा आता है। जब हम खाना काट के रख दिए तो आप लोग बैठ के खाइए, तो दोनों बाप बेटी मोबाइल में फिरे हैं। बोलिए क्या बताएं। हेलो दोस्तों, तो अभी देखिए 4:15 हो गया है, जो कि मैं खाना उना खा के हम दोपहर में सो गए थे। और सोने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद मेरे को ऐसा होता है ना दोस्तों कि मैं सो जाऊं। और सुबह से भी मैं ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं की थी, और सवेरे से मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया सुबह सुबह ही एकदम। क्या बताएं आप लोग से। और जो शाम का काम होता है, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा हटाना, तो ये सारा काम हम कर लिए हैं, क्योंकि हम दिखा नहीं पाते हैं। और मतलब अकेले मोबाइल पकड़े या सब काम कर, इसलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और अभी तो मैं चाय बैठाई हूँ, क्योंकि सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा चाय बैठाई हूँ पीने के लिए। और सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया एकदम, क्योंकि हम, मतलब देखिए दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ गाँव में ही वैसा हाल है, लेकिन गाँव में वैसा हाल नहीं है, हर जगह वही हाल है। औरतों को अगर औरत सही हो जाए ना, तो सब सही हो जाए। हम तो मानते हैं कि हम सही है तो सब सही है, लेकिन हमारे एक ब्लॉग में है, मैं उसका नाम नहीं रखूँगी, हम लोग को घर से टाइम नहीं है कि कहीं दो आदमी, मतलब थोड़ा सा जाके इधर उधर घूम ले, टहल ले। उसका क्या है कि सारा दिन घर में काम करती है कि नहीं करती है, खाना पकाती है कि नहीं पकाती है, पता ही कुछ नहीं चलता। एक सुबह से उठ जाएगी, चारों तरफ मतलब पूरा कैंपस को निगरानी करती है, मतलब आरपी ड्यूटी वो संभाल रही है, मेरे को देखने से लग रहा है, क्योंकि हम किसी के फेरा में रहते नहीं हैं। और यहाँ है हमारे लाइन में वो है औरत कि मतलब एक दूसरे के प्रति उसका शिकायत, मतलब उससे तो हम बात भी नहीं करते हैं, नहीं वो मेरे से बात करती है। शुरू में आए थे तो वो मेरे से बात करती थी, बाकी कुछ बात के लिए वो हम उससे बात ही करना बंद कर दिए। क्या है कि एक बगल में आई है, नहीं वो भी आई है, तो उससे मेरा शिकायत कर रही थी, मेरा शिकायत, मेरे हस्बैंड का भी शिकायत कि ऐसी है वैसी है, कुछ काम नहीं करता है, सारा दिन बैग लेके घूमता रहता है। और मेरा लड़का सुना था, मेरे बारे में भी बोली थी कि वो औरत इतनी गंदी है ना कि उससे बात करना भी बेकार है, मेरे को बोली थी, मेरे से दूसरे से बोली थी कि उसका बात करने का कोई तमीज़ नहीं है।
और मतलब एक छोटी सी बच्ची है अभी 8-9 महीना के, उसके लेके हमारे मतलब हमारे घर के बारे में ऐसा वर्ड बोली है दोस्तों कि हम बता नहीं सकते हैं आप लोग से। उस सब के बारे में तो छोड़ दिए, उस सब के बाद जाओ बोलो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, तुम पागल हो, जो तुम्हारा मन में आ रहा है सो बोलो। लेकिन एक छोटी बच्ची है, उसका नाम है बराका, मतलब उसके बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में इतना गंदा वर्ड बोली है कि मैं कुछ आप लोग से बता नहीं सकती, नहीं बता सकती हूँ। अब मेरे को जिस दिन से मैं सुनी ना, उस दिन से ही मेरा माथा दर्द हो रहा था, माथा दर्द हो रहा था कि कब हम इससे पूछ ले, कब इससे पूछे। इसके पापा रहते थे, लाडक पापा रहते थे घर पे, ये रह रहे हैं तो हमको पूछना भी नहीं बन रहा है कि उल्टा मेरे पे ही गुस्सा करेंगे कि तुम कहीं शांति से नहीं रहती हो। और मेरे को नाजायज़ बात पे इतना गुस्सा आता है, मान लीजिए हम किसी के फेरा में नहीं रहते हैं दोस्तों, काम हुआ काम से मतलब अपना घर में हम रहते हैं, किसी के पास नहीं बैठना नहीं उठना किसी के पास हम नहीं, बस एक बगल में दीदी है उनके पास भी काम होता है तो मैं जाती हूँ, बस ऐसे नहीं जा जा के मैं बैठ के बकवास एक दूसरे का सिखाई। मेरे मैं वो नहीं करती, ये सब काम मेरे को अच्छा नहीं लगता है एक दूसरे का प्रति, और इसीलिए इसके पापा डांटने लगने कि छोड़ दो, जाने दो, मत पूछो मत पूछो। और मेरे को आज दिख गई, मैं उसको छोड़ी नहीं, एकदम पूरा बढ़िया से ही उसको एकदम क्या बता दी हूँ। एक एक मतलब जैसे कि हम थाल पर के बिन रहे आप लोग से बता रहे हैं, इसी बात के लिए हुआ था, वह 2-3 महीना हुआ। जैसे कि हम थाल पर देखिए वहाँ गेट आपको दिख रहा है, तो वैसा ही मैं बना रही थी, थाल पुस बना रही थी ठीक छिपा ढकने के लिए। तो वो आई मेरे यहाँ और मेरे को बोली कि लाडक मम्मी आप बता दीजिएगा, ऐसा बनाना सिखा दीजिएगा। मैं दशहरा पूजा था जो कि 1 साल होने वाला, 1.5-2 साल की 1 साल ऐसे ही होने वाला है। अब मेरे लड़का को कुर्ता फिटिंग करना था, तो मैं बोली कि दीदी आप मेरे लड़का को थोड़ा कुर्ता फिटिंग कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो मशीन है नहीं, आप कर दीजिए, आपको जो पैसा होगा आपको मैं पैसा दे दूँगी। नहीं वो हाँ बोली, नहीं ना बोली, फिर भी मैं चुप हो गई। तो वही मैं यहाँ बैठ के बना रही थी, तो वो आई मेरे से पूछने के लिए कि आप लाडो की मम्मी आप सिखा दीजिए ना मेरे को, क्योंकि आप अच्छा अच्छा बनाती हैं। तो मैं बोली कि ठीक है दीदी, मेरे को सिखाने में क्या जा रहा है, मैं सिखा दूंगी आपको, लेकिन जो आपको भी आता है ना, आपको ब्लाउज सिलने आता है, मेरे को ब्लाउज सिलने के लिए सिखा दीजिए, मैं भी आपको सिखा दूंगी, इस बात में क्या है। तो वो बोली कि आपको सब कुछ आता है। तो मैं बोली कि दीदी आपको कैसे जानकारी है कि मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है सब कुछ आता है लेकिन मेरे को ब्लाउज सीना नहीं आता है, आप वो मेरे को बता दीजिए, मैं आपको भी ये ऊन वाला जो है मैं आपको सिखा दूँगी। इसी बात को लेके मैं वो भी ऐसे बोली, मैं भी वैसे बोले, जाके उधर है लोग, 1-2 लोग हैं उधर, बिहार की है वो, उससे जाके वो बोली थी, दूसरे ब्लॉक में रहती है तो उन लोग से जाके बोली थी कि वो कैसे बात करती है, उससे बात नहीं करना चाहिए, उसको बोलने का तरीका नहीं है, ए वो फलान चिलान ठिकाना, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए उन लोग से वो बोल के रखी थी। एक बात जो हमारे ब्लॉग में उन लोग से भी ये वर्ड बोली थी, ये कोई बोलने का तरीका हुआ। वो भी बता दे रहे हैं दोस्तों कि जो बराका है ना छोटी सी लड़की, उसके बारे में बोली थी कि उसके घर मत देना, उसका हस्बैंड है उसके तुम्हारे लड़की के साथ, वो गलत काम कर देगा, फलान कर देगा, ठिकान कर देगा। ये को वही वर्ड हुआ दी दोस्तों, हमारे घर में बेटी नहीं है, हमारे घर में और लड़की नहीं है, हमारा हस्बैंड का इतना गंदा नेचर नहीं है, जिसको ये ब्लॉग दिखाना होगा उसको दिखा सकता है, क्योंकि तब की बार भी एक ब्लॉग बनाए थे तो एक है बिहार के वो दिखाए थे इसको, तो ये भी ब्लॉग उसको दिखा दीजिएगा, जिसके पास जाएगा वो उसको दिखा दीजिएगा। अब ज़्यादा बकबक नहीं करें, क्योंकि सुबह से ही मेरा सर दर्द हो रहा है उसके वजह से। मैं बोली उसे एकदम सबक सिखा दी कि तुम मेरे फेरा में मत रहो, हम तुम्हारे फेरा में नहीं रह रहे, तुम हमारे फेरा मत रहो, तुम हमारा खर्ची नहीं चला रही हो, हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, अब हम पेन ओढ़ रहे हैं, हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, उस पर भी प्रॉब्लम कि सारा दिन लिपस्टिक लगा कर रहती है, मेरे पास नहीं है क्यों नहीं लगाएंगे, मेरा हस्बैंड है, मेरा सब कुछ भरा है, क्यों नहीं लगाएंगे, तेरे पास तेरा हस्बैंड मर गया है इसलिए तुम नहीं लगाती हो, मेरा तो सब कुछ भरा पड़ा है, मेरा हस्बैंड देता है मेरे को खरीद के लगाने के लिए, इसलिए मैं लगाती हूँ और लगाते रहूँगी, जिसको जलना है वो जलते रहे।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि दिमाग इतना ख़राब हो गया ना कि आज ब्लॉग बनाने के लिए हमारा हिम्मत नहीं हो रहा था। उसको इतना भरपूर डोज दे दिए हैं, बुला के ला, किसको बुला के ला रही है, मैं भी देख लेती हूँ। मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत दिन से हम सह रहे थे उसका बात, बहुत दिन से हम सह रहे थे दोस्तों, आज उसको दे दिए डोज। और दोस्तों मैं बता दूँ ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, उसको प्रॉब्लम हो रही है कि तुम वीडियो क्यों बना रही है। भाई मेरा काम है हम वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, तो तेरे को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तेरे को क्या है उससे मतलब, हम ब्लॉग बनाए या वीडियो बनाए या ना बनाए, किसी को तो हम पर्सनल वीडियो यहाँ नहीं बना रहे हैं ना। कटहल के मतलब बहुत दिन का बात ले लेके ओ आज ओ उसका मतलब जलन हो रही थी। हमारे बगल में एक कटहल का पेड़ है, तो वो वहाँ कटहल तोड़ रही थी एक कि शायद नहीं वो पेड़ काट रहा था लोग, तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की थी तब तक मैं उधर ही चली गई थी, थोड़ा सा आ गई उसमें, वो भी आई थी, हम मान रहे हैं कि हाँ वो भी आई थी थोड़ा सा, लेकिन फेस नहीं आया था, बस एज के नीचे से आया था उसका वस्त्र देखा। किसी को तो हम पर्सनल वीडियो नहीं बना रहे हैं ना कि हाँ मैं तुम्हारे पास आके मैं पर्सनल वीडियो बना रही हूँ, मेरा काम है वीडियो बनाना और मैं वीडियो बनाऊँगी, किसको रोकना है वो भी मैं देख लूँगी कि कौन रोक रहा है। किसी को रोकाने से मैं रोकूँगी नहीं, मेरा पति परमिशन दिया है वीडियो बनाने के लिए, तो मेरा काम है ब्लॉग बनाना, मैं बनाऊँगी। अगर इधर मैं बना रही हूँ कहीं रास्ते में भी आ गई हो तो मैं उसकी वजह से वीडियो बंद नहीं करूँगी, मेरा वीडियो चालू ही रहेगा और कोई रोक भी नहीं सकता है मेरे को कि क्यों वीडियो बना रही हो क्यों नहीं बना रही हो। मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं तो कह रही हूँ ना, मैं जान से वीडियो बनाऊंगी, देखेंगे कि वो आ रही है फिर भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी उसको जलाने के लिए, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, वो बोल रही है कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो, तुम वीडियो बनाना बंद करो, तुम कौन होती हो मना करने वाला कि हम वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे। दोस्तों हम भी जा रहे हैं अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि हमको भी भूख लग गया है और प्रतीक आएगा 1:30 बजे, तो देख 15 मिनट में और आ जाएगा क्योंकि 1:15 हो गया है। सुबह सुबह मूड खराब हो गया दोस्तों, लाडो के मैं क्या बताऊँ, इसको देख लीजिए आप लोग, कोई नहीं और तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहिएगा, मैं खाना उना खा के फिर आप लोग से मिलूँगी, जब ये नहीं रहेंगे तब मैं बताऊँगी।